रखो इसे भी ननक जाएगी, कुर्सी ले आओ उधर से। किचन में रखा है, अपने आप खा लो। आज मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ कि कम अच्छी लग रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्रणाम सब लोगों को। वीडियो की शुरुआत हो रही है, जैसा कि टीवी भी चल रहा है, फैन भी चल रहा है तो कुछ आवाज नहीं आ रही है और चाय भी नैन्सी की बन गई है। एक सेकंड बन तो मेरी बहुत से आवाज कम कर दो। तो अभी हो रहे 10:45, आज थोड़ा सा आगे आ गई हूँ मैं, मतलब दो दिन के अकॉर्डिंग आज थोड़ा जल्दी आई हूँ वीडियो में। तो अभी सुबह के 10:45 हो रहे हैं और नैन्सी चाय बना चुकी हैं, रात की सब्जी उन्होंने भुजिया बनाई थी वो रखी हुई थी तो वही नाश्ते में नैन्सी कर रही है। मैं दो बिस्किट ली हूँ चाय के साथ, तो अभी मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर आज खाना में देखो क्या बनाती हूँ, कुछ पता नहीं क्या बनेगा। रोज रोज खाने से ही शुरुआत होती, क्योंकि खाना ही है और क्या है, उसी से हम लोग की ज़िंदगी है। पेट पूजा बाद में काम दूजा, वही है कि पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा होता है। तो चलिए फिर मैंने सोचा सुबह सुबह पहले इंट्रो कर दूँ, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू रहेगा। वीडियो में बने रहिएगा सब लोग, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा और देखेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोग को। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा वीडियो रहता है, कोशिश करती हूँ अच्छा मतलब अपना 100% देने का, लेकिन जैसे हो पाता है, जैसे मुझे आता है वीडियो बनाना वैसे मैं बनाती हूँ। मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, अकेले जैसे एकदम से शुरू कर दिया हर चीज़ तो नहीं पता होता उतना, तो यही सब है सुबह सुबह में। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, कुछ बनाते तो शेयर करते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला कि इसके बाद फिर सीधा लंच पे आते हैं खाने की शुरुआत, तो यहाँ पे मैं आपको चने दिखा रही हूँ जो कि मैंने भिगोया था, सोचा था सब्जी बनाएंगे तो सब्जी इसकी नहीं बनाया क्योंकि लेट हो रहा था। नैन्सी को खानी थी अरहर दाल, तो नैन्सी के लिए दाल चावल था और ये मैं दो बैंगन रखे थे तो इसकी भुजिया बनाया था। बैंगन की भुजिया बहुत लोग नहीं बनाते, बहुत कम लोग बनाते हैं, बहुत ही यम्मी बनती है, आप लोग बनाइएगा कभी ट्राई करिएगा। आलू नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, ज़्यादा बैंगन, मैं बैंगन की क्वांटिटी थोड़ा कम थी क्योंकि हम अकेले अपने लिए बना रहे थे, मुझे थोड़ा सा खाली दाल खाना पसंद नहीं है, मुझे सब्जी चाहिए होती है। बताया था मैंने वीडियो में कि दोपहर का खाना मुझे प्रॉपर चाहिए होता है, तो इसकी वजह से बहुत ही यम्मी सब्जी बनी थी। सॉरी मैंने रेसिपी नहीं शेयर करी थी, जैसा मैंने इसमें तड़का वगैरह लगाया था, प्याज का तड़का लगाया था जीरे का, तो यहाँ पे सब्जी कटिंग हो रही है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा, अगर अच्छा लगे तो क्या बोलूँ, रोज़ रोज़ बार बार वीडियो में यही बोलना पड़ता है। देखा करिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं, रोज़ एक छोटा सा आलू मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बहुत छोटा सा, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो आज की वीडियो में यही है, यही खाना है मेरा और आगे आपके साथ पूरी थाली में शेयर करूंगी। आगे वीडियो में और भी है थोड़ा बहुत कुछ, पूरा वीडियो देखिएगा, अभी छोड़िएगा नहीं आप लोग, अभी वीडियो बचा हुआ है तो उसको पूरा कर दीजिएगा। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए। सब्जी कटिंग हो चुकी है, इधर दाल भी मेरी हो चुकी है गाइस, तो अभी मैं सब्जी बना चुकी हूँ, मैंने शेयर नहीं किया आप लोग के साथ। इसमें मैं आज थोड़ी सी सब्ज़ी बिल्कुल बना रही हूँ, बैंगन की भुजिया है ये, इसमें बहुत छोटा सा आलू ऐड किया जो कि मैंने शेयर किया आप लोग के साथ। तो नैन्सी सब्जी नहीं खाएंगी, दाल चावल भी बना रही हूँ, तो इधर साइड में दाल हो चुकी है तो इसीलिए मैं थोड़ी सी अपने लिए दो बैंगन रखा हुआ था। तो इसमें मैंने मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक। अब इसको मैं ढक दूँगी, पक जाएगी, बिल्कुल अच्छी सब्जी, यम्मी सब्जी बन के तैयार होती है। तो आप लोग भी अगर नहीं बनाते हैं तो बताइएगा, रेसिपी शेयर करूंगी मैं। और नैन्सी पढ़ाई कर रही है, शेयर इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एक ही फ़ोन है, एक फ़ोन में नैन्सी का इस टाइम स्कूल जा नहीं रही, तो काम आता है तो नैन्सी काम करने लगती हैं, तो बहुत सारा काम छूटा हुआ है। तुम्हारी नजरों में देखूं। सो गाइस अभी बज रहे हैं 2, टाइम हो रहा 2:00 और खाना शुरू होने जा रहा है।
नैन्सी का खाना पहले शुरू होगा। मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी क्योंकि मैं राइस ज्यादा नहीं खाती हूँ। थोड़ी सी प्याज रख दे रही हूँ, तावा रखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, चाहत छलक रही है। और ये सैलेड है खीरा, जो कि आजकल बहुत जरूरी है। थोड़ा सा देसी घी दाल में, नारंगिया के डाले कोयल को बोले। ये है बैंगन की भुजिया और सैलेड, दाल चावल, गर्मी वाला खाना। और ये मैं नैन्सी को दूंगी। चलिए बैठिए, देखो तनुकाला चश्मा है ब्लैक वाला, दो मंगाया था मैंने, ऑनलाइन परचेज किया था। एक और होगा ना, वो पड़ा हुआ उधर दिखाना। ये दो मंगाए थे, एक नैन्सी लगा रखी है, एक इधर है। तो नैन्सी खाना एंजॉय करने जा रही है। ये सब्जी अगर नहीं खानी है तो हटा देना, कोई जरूरत मैं नहीं लूंगी। ये गाइस तो अभी बज रहे हैं 5:40 हो रहे हैं और चाय बन गई है। नैन्सी ने चाय बनाई, बंद लेके आई है, वो खा रही हैं। मैं भी जा रही हूँ पीने। अभी थोड़ी सी धूप निकली थी बाहर, तो मैंने सोचा कि ये दाल लेके आई थी, तो दाल थोड़ा सा मुझे लगा जैसे इसमें कीड़े लग रहे हैं थोड़े थोड़े, तो इसको शाम टाइम बताया था मैंने। यहाँ पर धूप आ जाती है थोड़ी सी गर्मियों में, तो आज मैंने इसको धूप में ऐसी नीचे कहीं डाल नहीं सकते क्योंकि नीचे धूप रहती नहीं, तो बिछा के अगर कुछ डालो जैसे कपड़ा वगैरह बिछा दो तो नहीं बनता है। वो सूर्य भगवान इधर देख रहे हैं। तो यही थाली में करके मैंने डाल दिया था, ऐसे ही चने की दाल है ये, तो सूख गई है, धूप चली गई, तो इसको अंदर रख दूँ, कल शाम को फिर डाल दूँगी, तो एक बार वो हो जाएगी। इसको देख के मैं, इसका बेसन और मतलब ज़्यादा है ना, ये 2.5 किलो तक होगी, तो मैं इसका बेसन पिसवा लूँगी और थोड़ा बहुत रख लूँगी। तो अभी डब्बे में भरूँगी, डब्बा खाली करके रखा हुआ है, तो अभी चाय वगैरह पी लेती हूँ, फिर शाम को अगर कुछ बनाती हूँ, कोई रेसिपी अगर नहीं देती हूँ आप लोगों को तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। वीडियो में बने रहिएगा सब लोग, पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़। हे गाइस, तो मैं फिर से आ गई वीडियो, पूरे दिन आती रहती हूँ। अभी 8:30 बज रहे हैं और मैं अभी आई हूँ वीडियो का एंड करने। आज का मेरा वेस्ट गया जो भी है, 100% अच्छा करते हैं, 100% अपना कोशिश करते हैं बेस्ट देने की। आज अच्छा गया, कल किसने देखा सो जाए, क्या हो जाए क्या पता, है ना। तो ज़िंदगी वैसी ही जीनी चाहिए कि जो भी काम हम कर रहे हैं अपना बेस्ट दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, यही होता है। तो अभी रात के खाने में कुछ भी ज़्यादा नहीं बनेगा क्योंकि चावल दाल बनाया था, सब्जी बैंगन की भुजिया बनाई थी, तो थोड़ी सी वो भी रखी है। चावल को चल रही हूँ गर्म करूँगी, दाल को गर्म करूँगी, नैन्सी को दूँगी खाने के लिए और वीडियो का एंड करूँगी। गाइज, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो ही सब्सक्राइब करिएगा, जो लोग करें हैं वो लोग मत उसको टच करिएगा, बहुत लोग को नहीं पता होता तो दोबारा से उसको सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।